श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी श्री राग महला पंजवां गौर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार गौर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। ये बाणी महाराज पंजवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी संतां ने जो कुछ अंदर देखिया सो बाहर दस दिता। असी जीव कुछ देखते नहीं ना असी कुछ दस सकते हैं। गुरु साहब ने अपने सतगुरु का रुतबा एक बहुत बड़ा रखिया, गुरु का भी नहीं रखिया, उन्हें परमेश्वर का रुतबा रखिया। किस तरह उन्होंने देखिया, जब नाम लिया बंदगी की अंदर रूह जला गई। ब्रह्म और पार ब्रह्म दे पार जदों रूह गई उत्थे इतनी लाइट होंदी है कि उत्थे कोई पता नहीं लगता परमेश्वर दा और मुरशिद दा। ज्यों ज्यों सिख दी तब्दीली होंदी है सतगुर दी तब्दीली होंदी जांदी है। जिस स्टेज ते पहुँचते हैं उस स्टेज दी तब्दीली जे गुरु मुरशिद ही है तो सिख की भी उस तरह हो जाती। जो ब्रह्म पार ब्रह्म गया अगे सचखंड देश जिथे लाइट का कोई पता नहीं, कोई अंदाजा नहीं ला सकता, करोड़ा है सूरज और चंद्रमे की लाइट संत महापुरख दसते हैं। उस वक्त सतगुरु की भी लाइट जड़ी है वो लाइट नाल लाइट मिल जाती है। सिख जब देखता है किनू कवे, हुण गुरु किनू कवे, परमेश्वर किनू कवे, लेकिन फिर भी उन्हें रुतबा परमेश्वर का रखिया क्योंकि परमेश्वर के जरिए ही सिख उत्थे पहुँच सकता है और अपनी मर्जी नाल नहीं पहुँच सकता। जो कुछ देखिया गुरु साहब ने बाहर दस दिता कि गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार, कि ऐसी पूजा करो कि मन तन प्यार दे नाल। अगर साढ़े जे प्यार नहीं तो असी वो पूजा भी नहीं कर सकते। उन्हां दी पूजा की है, शब्द की कमाई, मेहनत करो जो तुहानू शब्द मिलिया है उहदी मेहनत करो, वो उन्हां दी पूजा हैगी। कई बार अगे भी दसिया है कि जदों राजे जनक नूं ख्याल आया कि घोड़े की रकाब ते पैर रखदियां ही मैनों ज्ञान होना चाहिए, सारे साधु बुला ले जितने उन्हां दे राज विच जनकपुरी दे साधु सी, कोई योगी सी, कोई ऋषि सी, सारिआं नूं बुला लिया। सारिआं नूं कहा कि घोड़े की रकाब ते पैर रखदिया ही मैनूं ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान किसे लिया नहीं, देना कितों सी? जे कोई ज्ञान लैंदा कितों तक दे भी सकदा, वो अपनी मर्जी नाल साधु बन गए। किसे भगवें कपड़े पा ले, किसे सिर मना लिया, किसे जटा रख लिया, किसे सुआह मल ले, अपनी मर्जी दे नाल। उन्हां दे विच एक साधु सी अष्टावक्र, जिसका शरीर जड़ा सी वो तुरदिया भी बल लगते हे उसनों, लेकिन संत पूरा सी, शब्द व्यासी सी। जदों कोई भी जड़ी स्टेज बनाई सी राजे ने साधुओं वास्ते, कोई उठिया नहीं, एक अष्टावक्र उठिया। जदों स्टेज पे पहुँचया
तो देखिया तो जितने भी साधु सन ऋषि मुनि सन वो सारे हसन डे सन। किसी हसते अष्टावक्र एदा तो शरीर ही चंगा नहीं, ये कितों साधु आ गया है। जदों उन्हें देखिया स्टेज पर बैठिया उन्हें कहा साधु हो जोगी हो जगीशरो, मैं समझता सी कि तुहाडी ये जिहड़ी सभा लगी है साधुओं की है, लेकिन तुसी चमड़े की पछाण करन वाले हो, मेरे ज्ञान की पछाण नहीं तुहानू आई। तुसी चमड़े की पछाण करन वाले हो भाई, ये शरीर परमात्मा की माया, जिस तरह मर्जी किसी का बनावे, चंगा बना देवे माड़ा बना दे, उहदी मर्जी है। राजे नूं कहा राजा तू सिख होना है नाम लेना है, कहिंदा जी हाँ, तुहानूं पता है कि नाम दीआं शर्तां की ने, की सेवा करना पैंदी है जी, मैनूं पता नहीं दसो। उन्हें कहा तन मन धन दी भेटा करना पएगी, जे तू कर सकदा असीं तैनू रकाब ते पैर रखदे आं ज्ञान दे देंगे। राजे ने वजीरां जबानां दे नाल सलाह की, राणियां नाल सलाह की, आगे कह दिता कि मैं तन मन धन दी तुहानू सेवा करदा भेटा करदा। कहन लगे जाओ घोड़ा लियाओ। तवेले विचों जदों घोड़ा लिया राजा पैर रखन लगा, पैर रखन लगा, अष्टावक्र ने कहा राजा की कर लगा है, कहिंदा मैं घोड़े की रुकावट ते पैर रखन लगा, मैनू ज्ञान दिओ। कहिंदे ना तेरा घोड़ा ना तेरा पैर ना तेरी रुकाव ना ही तू हैगा, तू रखन की लगा है, घोड़ा मेरा है, राजपाट मेरा है, खजाने मेरे है, तेरा शरीर भी मेरा और तेरे विच जड़ा मन है वह भी मेरा, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं हैगा, केड़े घोड़े ते रखनी है तू, केड़े रकाब ते पैर रखनी है, रकाब ते है ही नहीं तेरी, तू मैनू सब कुछ दे देता। राजे ने सोचा कि बनया ये तो मैं अपने हथी सब कुछ दे देता है। राजा बह जा चुप करके, चौंपड़ी मार के बैठ जा, किसी पासे ध्यान ना ले मी, अगर तू किसी पासे ध्यान लेता नरकां नूं जाएगा, क्यों तू सब कुछ मैनू दे देता है। देखो हुण पूजा होण लगी है, बह जा चुप करके, चौंपड़ी मार के बह जा, ऐथे ध्यान रख, जरा तमज्जो दी तीरू अंदर लै गए, अंदर साढ़े वो शब्द आ रहा जिसनों स्वामी जी महाराज धुन करके फरमाउंदे है, मुसलमाना ने उन्हों बांगे शमानी किया, बाणी विच नाम जां शब्द किया गया ते होर भी मुल्क दी भाषा दे मुताबक उहदे कई नाम रखे गए, वो साढ़े अंदर शब्द आ रहा, शब्द दे नाल उसकी रूह जोड़ दीती, वो आनंद वो खुशी जड़ी है अंदर दी वो किते बाहर नहीं आई। इहदे बारे बाबे फरीद ने फरमाया, खंड शक्कर नापत माख्यो माजा दुध, ये सब वस्तु मिठिया पर रब ना पूजन तुद, दुनिया दियाँ सवा जो भी चीज़ा ऐसियाँ मिठिया जिन्होंने असी समझते चंगिया ने, बाबे फरीद ने कहा जिहड़ी तेरी अंदर दा स्वाद है अंदर दी लज्जत है वो इन्हां विच नहीं हैगी, उन्हां नाल मुकाबला नहीं कर सकदियां। जदों राजे ने अंदर दी रौनक देखी, अंदर दी खुशी देखी, अंदर दी खूबसूरती देखी, जदों सुरत थले आई अष्टावक्र ने पूछा राजा ज्ञान होया जां नहीं,
कहंदे जी हो गया, कोई कसर तो नहीं रही, कहंदे कोई कसर नहीं। असी बहुत सारे लोग ज्ञान लफजां दे पढ़न नू बहस मासे नू इन्हां नू असी ज्ञान कहने हैं, ते महापुरख जेड़े है वो ज्ञान कहंदे है। किस नू कहंदे है? जिहदी सुरती शब्द नाल जुड़ जाएगी वो ज्ञानी बन जाता, ध्यानी बन जाता, वो बड़े तो बड़ा बन जाता। जो थले सुरत आई, राजे नू पुछया, क्या राजा कि तैनू ज्ञान होया जा नहीं? कहंदे जी हाँ। बाणी जी भी लिखिया, गुरु साहब ने ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए। केड़ा ज्ञान? जब पूरा ध्यान अंदर रखिया, अंदर शब्द आ रहा है, वो शब्द के नाल साडा जो साडा कनेक्शन जुड़ गया, असी अपने देश चले जावे, असी पूरे ज्ञानी बन जावे। क्यों? कि सानू सारी जानकारी हो जाएगी अंदर दी, असी किसे नू दस सकते हैं, असी किसे नू भी दस सकते हैं। फिर उस नू ज्ञानी कहंदे है संत महापुरख। ओही पूजा गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। जदों मनो तनों प्यार कीता अष्टावक्र ने, तो सुरत अंदर चला गई। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि इन्हें भी अपने मुरशद दे नाल मनो तनों प्यार कीता और दुनिया के सारे जंजाल तोड़ दिते, रूह अंदर चला गई। जो अंदर देखिया सो उन्होंने बाहर दस्या। असी जीव कुछ देखते नहीं, असी कुछ दस नहीं सकते। जिन्हें देखिया वो दवाइया दे रहे है, दस रहे है। हाँ जी। गौर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार, सत गुर दाता जी का सब से दे आधार। गुरु साहब ने जब अंदर देखिया सब कुछ, तो फिर सतगुर नो एक तमाम जीवों का दाता, जितने भी जीव दुनिया से पैदा होए है सारिया का दाता कह दिता, सारिया नू आधार दे रहा है, सारिया की कल्याण कर रहा है। वो सतगुर साहब नू दे रहा। गुरु साहब ने देखिया तद उन्होंने बाणी जी फरमाया है। हाँ जी। सत गुर दाता जी का सब से दे आधार, सत गुर बचन कमावने सचा ए विचार। गुरु साहब जी किसी चीज़ नू होर नहीं समझ रहे, सतगुर बचन कमावने। जिन्हें जिन्हें सतगुर के बचन कमाए, जो सतगुर ने दसिया, उन्हें मेहनत की, उन्हें किसी ने यह नहीं कहा कि तुसी जाओ किसी तीर्थां दे जाके जां किसे होर जगह दे जाओ जां होर कोई चीज़ बनाओ जां जाओ मत्थे टेको, नहीं। कहंदे जो सतगुर कहंदे है सो करो। सतगुर ने कहा कि भाई चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड़ दे ते नाम जप, ईश्वर की भगती कर। वो ईश्वर की भगती सारे दान पुन बिच आ जांदे है। जदों महाराज चौथी पातशाही ने 70 वार चौंतरे बनाए और 70 वार ही गुरु साहब ने टाए से, उन्होंने ही उन्होंने सब कुछ मिल गया।
ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਬਣਾਓ ਬਈ ਚੌਂਤਰੇ, ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਢਹਿ ਢਾ ਦੇਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਬਣਾਓ। 70 ਵਾਰ ਬਣਾਏ, 70 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਾਏ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਸੋਈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸੱਚਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਬਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸੱਚਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਜੀਵ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਕਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਉੱਠਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏਗਾ, ਸੁੱਕਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਆ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਚਲਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜ ਜੇਠ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟਕੋਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਿਰਿਆ ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟਕੋਰਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੋ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਲੈਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ।
असी जदों अपनी अकल करते हैं तो कई गल्लां होर करते हैं। जिसने अपनी अकल नूं छड्या है उन्हां सतगुर दे बचन कमाए और वो पास हो गए। तीसरी पातशाही गुरु साहब ने पानी ढोया, उहदे विच ही उन्हां दा सब कुछ बन गया। जदों 70 बार चौंतरे बनाए चौथी पातशाही ने तो सारी संगत हट गई, कल्ले ही बनाउंदे रहे, उहदे विच ही पास हो गए। जग में उत्तम कढ़ीए बिरले कहिके, भाई जगत विचों उत्तम पुरशां दी त्याग जणे तलाश करो तो सारे नहीं निकलते, बिरले निकलते। संगत विचों भी बिरले निकलते हैं कि जिन्हां दा उत्ते बुरा पूरा विश्वास होवे, पूरा विश्वास पूरा अधिकार रखण, जिहड़े सतगुर दा बचन कमाउण, वह फायदा लै जांदे है। जिहड़े गिनतरियां करदे रहिंदे है होर गल्लां करदे रहिंदे अपनी अकल दे नाल, वह कोई फायदा नहीं लैंदे है। हाँ जी, सत गुर बचन कमावणे सच्चा ए विचार, बिन साधु संगत रतिया माया मो सब शार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, बिन साधु संगत रते, साधु दी संगत चाहिए। असी जीव मायाधारी हाँ, माया खाख दसी है, मिट्टी दसी है। साधु जड़े है आम साधु नहीं, जड़े आम साधु तुरी फिरदे है, किसे भगवे कपड़े पा ले, किसे ने सिर मना लिया, किसे ने जटा रख लिया, किसे सुआह मल ले नंगे रह गए, आम जड़े दसते हैं लोग, इन्हों संत साधु नहीं मनते। जिसने मन की साधना की है और मन दियाँ प्रकृतियां खत्म किया है उसनों संत साधु कहते हैं। उसनों जड़े मन के हिसाब न चलते है वह साधु नहीं है। लेकिन जिसने मन दे कोर्स किया है, अपने मन को अपने बस किया है, मन दियाँ फौजों बस किया है, काम क्रोध मोह लोभ हंकार इन्हों बस किया है, उसनों संत साधु कहते हैं। एहो जे साधु दे नाल साडा मिलाप हो जाए तो असी कोई फायदा लै सकते हैं। जे आम अधूरे साधुओं नाल साडा कनेक्शन जुड़ेगा उन्हों को सानू फायदा नहीं कोई भी, क्योंकि वो आप त्रिश्ना विच अगन विच जल रहे है, आप खोटे कर्म कर रहे है, साडे को भी खोटे कराउणगे। जिहड़े शब्द व्यासी महापुरख ने वह नहीं कहिंदे, वो तो कहते हैं भाई चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड़ दे और नाम जप ईश्वर की भगती कर। वो साधु जो उन्होंने आप किया होंदा है वो ही दसदे है, उन्हें आप भी भजन किया है और जेड़ा उन्होंने पास जाएगा उसनु भी कहन भजन करो। जिन्हें किया नहीं वो की दसेगा, जिन्हें लिखिया सो लिखाएगा, जिन्हें देखिया सो दिखाएगा, जिन्हें कुछ देखिया नहीं वो की दस सकता है। हाँ जी, बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार, मेरे साजन हर हर नाम समाल, मेरे साजन हर हर नाम समाल। हुण असी इत्थे बहुत सारे जीव भुल जाने हैं कि नाम जड़ा है कोई सोने की डली नहीं जड़ा असी ट्रैंकां च पा लैणा, नाम एक सत है। कई बार अगे भी दस्या है कि स्वामी दयानंद जी महाराज भजन बैठे सन, कोई औरत उन्होंने मत्था टेक गई,
जदों उन्हां दी सुरती थल्ले आई उन्हां नूं पता लग गया, क्योंकि साडा हर इंसान दा जिहड़ा खून पसीना है अलग अलग है, इको जिहा नहीं हैगा। सारी रात जागदे रहे किते मेरा सत भंग ना हो जाए, सारी रात ही जागदे रहे, इहनूं कहिंदे आ नाम संभालना। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਤ ਗਿਆ ਤੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੀਲ ਗਿਆ ਸਭ ਝਾੜ, ਭਗਤੀ ਖੇਤ ਕੈਸੇ ਬਚੇ ਜਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਬਾੜ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਸਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਹੈਗੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ? ਜੋ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਲ, ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਗੁਰ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਉੱਚਮ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜੀਵ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਨੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਗੁਰ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
गोर अगोचर निर्मला गोर जे वड अवर न कोए। महाराज पंजवी पातशाही गुरु साहब जी अपने सतगुर की तारीफ कर रहे हैं कि सतगुर अगोचर है। गोचर किसी नूं कहिंदे कि जिहदे पास सारियां ताकतां होण, जिहड़ा किसे गोचरा ना होवे, उहदे पास सारियां ताकतां। गुरु साहब की तारीफ कर रहे हैं कि मेरा सतगुरु जिहड़ा अगोचर है, उहदे पास सारियां ताकतां ने, उहनूं किसे चीज़ की लोड़ नहीं। बड़ भागी जिहड़ा जीव होएगा वह कोई दर्शन करेगा, बड़े उच्चे नसीब उहदे होणगे। हाँ जी, गोर अगोचर निर्मला गोर जे वड अवर न कोए। गोर करता गोर करणे हार गोर मुख सची सोए। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर करता है, वो करने हार है, वो सब कुछ ही कर सकता है, लेकिन कराए कौन? जड़ा उन्हां दे बचन मन्ने, जड़ा उन्हां दे बचना ते चलेगा वो फायदा ले लेगा। ये बड़े कर्मां दी बात है कि बड़े अच्छे कर्म किसी के होणगे वो संतां दे बचन मन्नेगा और वो फायदा ले लेगा। हाँ जी, गोर करता गोर करणे हार गोर सची सोए। जीव संतां महापुरखां दा कहना मनदा नहीं, अगर मन्ने ते इनू कोई कमी नहीं रहिंदी। कई बार अगे भी दस्या एक पातशाह सी, वो एक फकीर दे पास रोज़ ही साधारण कपड़े पा के ते सुबह सुबह उसने जाना। फकीर ने छोटे मोटे काम करदा, एक कैरियां कूरियां गुड़नियां सब्जियां लानियां अपने वास्ते, उन्हें भी जाके हाथ बटांदे रहना उहदे नाल। एक दिन कोई डाकू ऐसा सोचिया डाकू ने कि जिहड़ा पातशाह जांदा है फकीर पास, इहदे पास कोई माया होनी। वो जंगल छोटा जिहा जंगली उहदे विच बैठ गया, जद भी वापस आएगा असीं इहनूं कोई सट सुट ला के इहदे कोलों माया ले लवांगे। बैठा रहा, छोटी छोटियां क्यारियां गुड्डी जांदे सी। जदों टाइम होया तो पातशाह ने कहा छुट्टी दिओ जी, मैं जावा हुण, मैं कचहरी का टाइम हो चलिया। फकीर ने कहा कोई गल नहीं, थोड़ा जिहा होर काम कर दे। थोड़ा जिहा काम किया, फिर छुट्टी मंगी, उन्हें फिर नहीं छुट्टी दिती। उधर कोई जानवर ऐसा पिया जिहड़ा डाकू सी उन्हूं पाड़ चीर कर गया, जगमी कर गया। फकीर ने छुट्टी नहीं दिती, फिर होर थोड़ियां क्यारियां गुड्डो, काम करो, सेवा करो। फिर उन्हें की, फिर कहा कि महाराज मैंने छुट्टी दो, कचहरी का मौका हो जाना। कहिंदे कोई गल नहीं आएगी, तू थोड़ा जिहा काम होर कर। इन्ने चिर ही उही डाकू जिहड़ा सी वह रोंदा पिटदा फकीर दे कुठिए विच आया। कुठिए विच आया, फकीर ने कहा कि इहदे जख्म साफ करो, इहनूं पहलों पट्टी करो। पातशाह कोलों कराई। पातशाह ने पुछया फकीर नूं कि अगे तुसीं मैनूं टाइम सिर छुट्टी दे देंदे सी, अज क्यों नहीं दित्ती? फकीर ने कहा जिहड़ा काम इहदे नाल होया इह तेरे नाल होणा सी, मैं वो वक्त जिहड़ा टाल रहा सी। जिहड़ा काम इहदे नाल होया यही काम तेरे नाल होणा सी, मैं उस समय नूं टाल रहा सी। भाई जे असी बचन मन्नीए संतां महापुरखां दे
तो ठीक है, सानू बाहर का भी फायदा मिल जाता, अंदर का भी फायदा मिल जाता, लेकिन असी वचन मनते नहीं। असी अपने मन की गल मनते हैं, जो मन कहता सो असी करते हैं। तो मन शैतान आज तक किसी नू इसने सही नहीं रहन दिता, बड़े बड़े इसने बर्बाद कर देते है जी। हाँ जी, गौर करता गौर करने हार, गौर मुख सची सोए। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि गुरमुख सची सोए। सतगुर करता है, वो सब कुछ कर सकता है, पर जेड़ा संतां दा उन्हां दा कहना मनेगा वो गुरमुख बन जाएगा, गुरु दा प्यारा बन जाएगा, वो भी फायदा ले जाएगा। हाँ जी, गौर ते बाहर कुछ नहीं, गौर कीता लोड़े सो होए। ये महाराज पंजवीं पातशाही दी बाणी है, किसी आम बंदी दी बाणी नहीं। जिन्होंने अंदर देखिया मुरशद की ताकत नूं देखिया कि इस मुरशद ते सब कुछ कर सकता है, उहदे तों बाहर ते कोई चीज़ है ही नहीं। जदों उस स्टेज के उपर जाके देखिया तो मुरशद का और ईश्वर का कोई फर्क ना रहा। जिस तरह कबीर साहब ने बाणी च फरमाया, राम कबीरा एक पे हैं पछाण ना सके कोई। कबीर साहब जी कहंदे है कि राम दा और कबीर दा कोई फर्क नहीं, पर कोई पछाण नहीं सकिया। इस तरह गुरु साहब जी फरमा रहे कि सतगुर तो बाहर कुछ नहीं, सतगुर जो चाहे सो कर सकता है। हाँ जी, गौर ते बाहर कुछ नहीं, गौर कीता लोड़े सोए। गौर तीरथ गौर पार जात, गौर मन सा पूरण हार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर ये तीर्थ है, सतगुर ही सब कुछ। उन्हें सतगुर नूं ही सब कुछ मन्या कि सतगुर है। जिस तरह असी किसी तीर्थां चले जाने, किते असी जंगलां पहाड़ां च जाने, किते होर मड़ियां मसाणां च लभदे आ जाके, जिन्हों लभदे हां वो साडे विच है, जिन्हों असी बाहर जाके लभदे हां वो साडे विच है। साईं बोले शाह ने बाणी च फरमाया, वो आत्म जिहड़ा परमात्मा जिहड़ा है, वो मौला जिहड़ा, वो आदम बन कर आया, वो खुदा जिहड़ा है आदम बन के आया, वो आदमी दे स्वरूप विच है। जेकर चाहे उस मौला नूं हर जाई हर थाई, देख सूरत बंदे दी मूर्ख जिस विच वसदा साईं। तू बंदे नूं देख लै जिहदे विचों परमात्मा वसदा है। संत जिहड़े शब्द व्यासी ने, वह कदी सिख नूं किते जंगल पहाड़ां च नहीं फराउणगे, जां कोई होर कर्म नहीं कराउणगे। वह सिर्फ सतगुर दा बचन मन, सिर्फ इन्ना ही कर्म कर, सतगुर दा बचन मन, और कुछ ना कर। हाँ जी, गौर तीरथ गौर पार जात, गौर मन सा पूरण हार। गौर दाता हर नाम दे, उधरे सब संसार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर दाता है, जेड़ा जीव नूं नाम दे के, नाम जपा के अपने देश लै जांदा। असी दुनिया दे दाते जड़े हैं, किसी नूं रोटी खवा दित्ती, किसी नूं पैसे दे दिते,
किसी नूं होर पानी पिला दिता। असीं कहने असीं बड़े दाते हैं, असीं बहुत दाते हैं, लेकिन साड़ियां दातां जिहड़ियां इत्थे मिट्टी च मिल जांदियां। सतगुर दाता जिहड़ा है वह नाम देंदा है, नाम जपा के जीव नूं अपने देश लै जांदा, वो चौरासी विच नहीं जान देंदा। हाँ जी, गोर दाता हर नाम दे उदरे सब संसार, गोर समरथ गोर निरंकार, गोर ऊंचा अगम अपार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि सतगुर अगम है, सतगुर की पूजा की है, सतगुर का वचन कमाना, जो सतगुर कहिंदा सो असी करिए, असी मन दे आखे ना लगीए। मन दे आखे जिहड़े जिहड़े भी लगा है अज तक कोई भी कामयाब नहीं होया। मन ने बर्बाद कर दिता, मन ने दुनिया च नशर कर दिता। बड़े बड़े योगी जगीशर जिन्हां ने मन दे आखा मन्या और फेल हो गए। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि सतगुर बड़ा दाता है, सतगुर दे बचन जिहड़े है ये सानू कमाने चाहिए है। संतां महापुरखां ने आप बचन कमाए है, वो सानू ये तकीद करते सानू समझा रहे हैं कि भाई साडा भी फर्ज है कि असी उन्हां ते चलन की कोशिश करिए। उन्हां की काम किए असी ये सोचिए कि संतां ने किहड़े काम किए ने ते असी किहड़े कर रहे हैं, साडा और उन्हां दा कितना फर्क हैगा। हाँ जी, गौर समरथ गौर निरंकार, गौर ऊंचा अगम अपार, गौर की महिमा अगम है, क्या कथे कथन हार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर की महिमा जिहड़ी अगम है, कथन वाला की कथेगा। जिस तरह बाणी च दसिया ऐ विद्या तू बड़ी है विद्या, पर सैंतन की तैं कदर ना जाने। विद्वान लोग जेड़े है पढ़ लिख के बहसा मुहासे करते हैं, लेकिन सैंतां दा नहीं कोई पता। पीखे फकीर ने फरमाया, पीखे बात आगम की कहन सुनन में नहीं। वो जड़ी बात जड़ी अंदर आ रही है वो कहने और सुनने विच नहीं आ सकती, ना असी उहनू बोल के दस सकते हैं, ना असी वह लिख के दस सकते हैं। साढ़े अंदर जिहड़ी तारा आ रही है, साढ़े अंदर जिहड़ा शब्द आ रहा है, वो असी कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं। वह इस तरह है जिस तरह गूंगे नू किसी ने गुड़ खवाया, गूंगे नू पुछया कि सुना स्वाद की है इहदा, उहने कछां मारियां बोल ना सकिया। इस तरह वो ताकत जिहड़ी है उन्हूं असी दस नहीं सकते कुछ भी। हाँ जी, गौर की महिमा अगम है, क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन वाशिए, तितड़े सत गुर पास। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे है, ऐ मन जितने फल तैनू चाहिए है वो सतगुर पास ने, लेकिन असी सतगुर पास नहीं जाते, ना वो फल मंगते हैं, ना वो असी लैने हैं। असी मड़िया मसाणा ते जाके चूरमे चाढ़ते हैं, उत्थे जाके सुखना करते हैं, असी दरख्तों पर जाके सुखना चढ़ते हाँ, असी होर चीज़ों पर जाके अपने मन को लाते हाँ, सुखना चाढ़ते हाँ। जिथे चीज़ हैगी है उत्थे असी जाते ही नहीं, मड़िया मसाणा चू की मिलेगा सानू।
मर के भूत बनना पाएगा या आशा तो बादशाह। हजूर कई बार फरमाते होंगे जे तेरा दरख्त नाल प्यार है, दरख्त की पूजा करना है तो मर के दरख्त बनेगा। जे मड़िया मसाणा दे विच तू जाना है पूजा करदा है उन्होंने को मंगदा है तो मर के तैनू भूत प्रेत ही बनना पाएगा। जो जो किसी पास होंदा वो ही कोई दे सकता है, पर जे कोई संतां महापुरखां दे नाल मिलाप करेगा तो वह की देंदे है, वो साडा चक्कर ही मका देंदे है। सानू 84 का चक्कर जिहड़ा पैना है वो खत्म कर देंदे है, अपने देश लै जांदे है। हाँ जी, जेतड़े फल मन बाँचिए तेतड़े सत गुर पास पूरब लेखे पावने साच नाम दे रास। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि साढ़े बड़े उच्चे भाग होंगे, पूर्व पिछले भी लेखा कोई होएगा, तद असी संतां महापुरखां दा कहना मन्नांगे, तद उन्हां दा नाम जेड़ा है असी उहदी मेहनत करांगे। जिहदे भाई कर्म ऐसे खोटे ने वह कदे भी संतां दे लागे नहीं आ सकता, खोटे कर्म नहीं आउण देंदे। ये साढ़े पिछला भी कोई कर्म होएगा तो असी संतां महापुरखां दी बाणी सुणांगे और उन्हां दे नज़दीक आवांगे। हाँ जी, पूरब लेखे पावने साच नाम दे रास सत गुर सरणी आया बोहड़ नहीं बिनास। गुरु साहब जी फैसला ही कर रहे हैं कि भाई सतगुर की शरण में जड़ा जीव आएगा वो बारों बार 84 च नहीं जाएगा, वो 84 विच नहीं जा सकता, 84 दे धक्के नहीं खा सकता, कुत्ते बिल्ले नहीं बन सकता, पशु नहीं बन सकता, वो अपने देश जाएगा, अपने मालक नाल मिल जाएगा। हाँ जी, सत गुर सरणी आया बोहड़ नहीं बिनास हर नानक कदे न विसरो ए जियो पिंड तेरा सास। गुरु नानक देव जी महाराज शब्द समाप्त करदे हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि भाई कदें भी ना तू बिसर। बाणी जी भी गुरु साहब जी फरमाते हैं खांद्या पीद्या चलद्या फिरद्या तू ओदा सिमरन कर, तू किसे बेले भी ना बिसर। असी विसार देंगे फिर सानू 84 जाना पएगा, अगर असी उन्होंने याद रखांगे तो उन्होंने सिमरन करांगे तो फिर असी 84 च नहीं जा सकते, असी अपने देश जावांगे, अपने मालक नाल मिल जावांगे। हाँ जी, हर नानक कदे ना बिसरो ए जियो पिंड तेरा सास।